स्टडी आई क्यू अब तैयारी हुई अफोर्डेबल नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी आई में मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर दोस्तों हम सभी ने देखा कि कोविड 19 पैंडेमिक ने कैसे ह्यूमन वीकनेस को एक्सपोज किया एक छोटे से वायरस ने एक छोटे से वायरस ने ग्लोबलाइजेशन की धज्जिया उड़ा दी एक छोटे से वायरस ने बड़े से बड़े देश बड़े से बड़ी सरकार को दिखा दिया कि वो कितने कमजोर हैं। एक छोटे से वायरस ने पूरे विश्व को साथ में लाया लड़ने के लिए अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वायरस दिस ड्यूरिंग कोविड कोविड हम कह सकते हैं की वजह से ऑलमोस्ट हमारे दो साल बर्बाद हो चुके दो हजार बीस दो हजार इक्कीस राइट अब एक छोटे वायरस ने ये सब कुछ कर दिया तो इमेजिन कीजिए कि अगर सैकड़ों ऐसे वायरसेस एक्सपोज हो जाए टू एटमॉस्फेयर व्हाट इज गोइंग टू हैपन कितने सारे पैंडेमिक्स आ सकते हैं तो हमारी हालत क्या हो सकती है आज इसी सीनारियों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इनफैक्ट हम लोग पहले से जब भी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं उसमें हम लोग कहते हैं कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग अब एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब जो हाइर लैटिट्यूड्स में ग्लेशियर है आइस है वो मेल्ट हो रहा है अगर आइस मेल्ट हो रहा है तो नया रीजन बन रहा है नए रीजन में जो भी चीजें एक्सपोज हो रही है दे आर गेटिंग इन टू और उस रीजन में भी वायरसेस है और आप जानते हैं कि वायरसेस को मूव होने के लिए या फिर अलाइव रहने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है एक वेक्टर की जरूरत होती है नए रीजन में वो वेक्टर्स भी आ रहे हैं जैसे कि प्लांट्स हो गए दूसरे ऑर्गेनिजम्स हो गए तो वो वैक्टर्स भी मिल रहे हैं अब इमेजिन कीजिएगा कि अगर नए नए वायरसेस एक्सपोज हो जाए तो कितने नए तरह के पैंडेमिक्स आ सकते हैं और इसके प्रति हम लोग एक रिसर्च पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले अब तक हमें एक आइडिया थे लेकिन इस रिसर्च पेपर ने इसको कंफर्म कर दिया है कि देर इज अ वेरी वेरी हाई रिस्क ऑफ वायरल फिल स्पेशली फ्रॉम द आर्कटिक रीजन हम लोग एक पर्टिकुलर आर्कटिक लेक के बारे में चर्चा करने वाले जिसके ऊपर ये रिसर्च आधारित है इन्होंने इस लेक से सेडिमेंट्स की स्टडी की है यहाँ से इन्होंने एक्स्ट्रापोलेशन की है कि किस तरह के नए वायरसेस आ सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग और भी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं इन फ्यूचर अबाउट दिस रिसर्च पेपर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी हाई रिस्क ऑफ वायरल और प्रिलिम्स के दृष्टिकोण से हम लोग इस डिस्कशन के अंत में इस हाई आर्टिक लेक के बारे में भी चर्चा करेंगे कहाँ पर रिसर्च हुई है उससे जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं तो ये रहेगा एजेंडा आज की हमारी डिस्कशन का टू गेट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड चलिए शुरुआत करते हैं बट बिफोर दैट डू रिमेम्बर कि आज आखिरी दिन है थर्टी फर्स्ट ऑक्टोबर में हमारी एडमिशन क्लोज हो रही है ये कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटीज नॉट योर डोर ओनली वंस एंड दिस इज दी वन टाइम अपॉर्चुनिटी और आखिरी दिन है क्योंकि दिस दिस इज इज लास्ट लास्ट बैच डे टू योर सेल्फ फॉर द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन अफोर्डेबल क्यों क्योंकि आपको उन्नीस हजार में कंप्लीट यूपीएससी जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आपको ये प्राइस चाहिए यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर कोर्ट और इस प्राइस में आपको कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज मिलेगा ट सिलेबस कवरेज नाइन हंड्रेड प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस एक मेंटर आपके साथ रहेंगे फ्रॉम डे वन इसी प्राइस में आपको प्रेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिल जाएगा ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी जहां पर आप पर्सनलिटी इवाल्व कर सकते हो अपनी ये सारी चीजें लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द लास्ट डे थर्टी फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी सो एनरोल बिफोर ट्वेल्व ए एम आज रात में बारह बजे से पहले आपको एनरोल करना है नहीं तो इट विल बी क्लॉस एंड द अपॉर्चुनिटी विल बी लॉस सो डू एनरोल इट नाउ ठीक है चलिए हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर के बारे में द तो रॉयल सोसाइटी में पब्लिश हुआ था वायरल स्पिल ओवर रिस्क इंक्रीजेस विद द क्लाइमेट चेंज इन हाई आर्कटिक लेक सेडिमेंट्स तो हम लोग इस रिसर्च पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले किस तरह की इन्होंने रिसर्च की है क्या इन्होंने रिसर्च की है इसमें कुछ नए टर्म्स के बारे में हम लोग समझेंगे और अंत में उस लेक के बारे में चर्चा जरूर करेंगे तो सबसे पहले स्टडी के बारे में जानते हैं अबाउट द स्टडी इस स्टडी ने क्या किया है एक पर्टिकुलर लेक है लेक सेडिमेंट्स को उन्होंने कैप्चर किया है फ्रॉम लेक हेजन एक फ्रेश वाटर लेक है आपको ध्यान रखना है अभी इनफैक्ट मैं मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने वाले हूं लेक हेजन कहां पे आता है लेक हेजन कम्स इन कैनेडा नदर्न पार्ट ऑफ कैनेडा आर्टिक सर्कल के भी ऊपर है कैनेडा में लेक हेजन से उन्होंने सेडिमेंट्स गैदर किए अब इन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए कब दो के सैंपल मे दस से जून 10 2017 के बीच इन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए अलग अलग जगह से ये है उस लेक की पिक्चर जहां पे पि उन्होंने लेक के भीतर से भी सैंपल्स लिए लेक जब ड्राइअप होती है यानी कि उसके जो कॉर्नर से जब ड्राइअप होते वहां से भी उन्होंने सेगिमेंट लिए और टॉप से जो रन ऑफ हो रहा है यानी कि जो ट्रिब्यूटरीज आ रही है वहां से भी उन्होंने कुछ सेडिमेंट्स लिए और उन सेडिमेंट्स की उन्होंने एनालिसिस की तीन जगह से उन्होंने सैंपल्स लिए और उसकी हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस की अब यहां पे इन्होंने क्या किया उन सेडिमेंट्स

प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रापोलेट की उन्होंने कैसे किया उन्होंने बाई डेवलपिंग दी वायरल फाइलोजेनेटिक ट्री अब ये फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है देखिए इन्होंने देखा मैंने आपको बताया कि वायरस को अगर किसी वायरस को एक्टिव होना है तो उसको एक होस्ट की ज़रूरत है एक वेक्टर की ज़रूरत है अब होस्ट हमारी बॉडी हो सकती है कोई दूसरा बैक्टीरिया हो, हो सकता है कोई दूसरा फंगाई हो सकता है या फिर एक प्लांट हो सकता है तो इन्होंने डीएनए आरएनए सीक्वेंसिंग करके डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करके इन्होंने फाइलोजेनेटिक ट्री डेवलप किया जहाँ पे इन्होंने देखा बैक्टीरिया या फिर आरके राइट बैक्टीरिया मतलब एक वायरस बैक्टीरिया के ऊपर भी अटैक कर सकता है आप जानते हो आरके मतलब दूसरे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे स्पेशली मैं कहूंगा प्रोटोजोआ या फिर प्रो कैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म या फिर यूकेरिया इन तीनों का फाइलोजेनेटिक ट्री उन्होंने इवॉल्व किया और देखा कि कितने वायरसेस मिल रहे हैं या फिर कितने वायरसेस डेवलप हो सकते हैं और इस पर्टिकुलर रिसर्च से उन्होंने बताया है सबसे पहले कि द कंक्लूजन इज दैट द प्लांट एंड फंगल वायरसेस आर ओवर रिप्रेजेंटेड इनकी रिसर्च में यही पता चला इन चलिए मैं आपको इनकी रिसर्च पेपर पर पे ले चलता हूँ डायरेक्टली सो दैट वी अंडरस्टैंड वॉट एक्जैक्टली इज हैपनिंग ये है वो रिसर्च पेपर जिसके बारे में बात कर रहा था वायरल्स फिलोवर रिस्क इंक्रीजेस विथ क्लाइमेट चेंज इन हई आर्टिक लेक सेगमेंट्स इन द लेक हेजन अगर हम लोग इसके आ, से पेज नंबर फाइव पे चले जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दिस इज दियर टेक्निक अगर आप

आर्टिक में ग्लेशियर मेल्ट हो गया नया रीजन एक्सपोज हो चुका है और वायरस और, और उस प्लांट और फंगाई से वो हाइयर लैटिट्यूड से आर्टिक से नीचे आ जाएंगे तो क्या होगा नीचे आएंगे तो और भी ज्यादा पैंडेमिक्स हो सकते हैं और इसी तरह से उन्होंने ये है कि, है। है कि तो ड्राई लेक की एंट्री है अलग अलग या फिर पानी की जो है लेक में जो आती है दैट इज फ्रॉम द ग्लेशियर रन ऑफ तो जितना ज्यादा ग्लेशियर रनऑफ हो रहा है उतना ज्यादा आपका स्पिल ओवर बढ़ रहा है वायरस का उस, उसका रिस्क काफी ज्यादा बढ़ रहा है इसके अलावा रिपोर्ट और भी एक ग्रिम पिक्चर दर्शाती है हमें इनफैक्ट ये तो कहते हैं कि ऑलरेडी स्पिलोवर माइट बी हैपनिंग हमें यह भी पता नहीं कि अभी तक कितने ज्यादा वायरसेस एक्सपोज हो चुके हैं वी डू नॉट नो दैट ऑलरेडी द वायरल स्पिलोवर इज वेरी वेरी हाई एंड एक्सटेंसिव यानी कि अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर मेल्ट की वजह से नए नए वायरसेस को हम लोग ऑलरेडी एक्सपोज हो रहे हैं अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे नहीं ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे नहीं ग्लेशियर मेल्टिंग को रोकेंगे नहीं देन वी व्या वी आर लुकिंग एट मोर एंड मोर पैंडमिक्स गोइंग फॉरवर्ड इनफैक्ट इस इस पर्टिकुलर स्टडी का कंक्लूजन यही है कि वायरल फिलोवर फ्रॉम द ग्लेशियर मेल्ट विच इज बेसिकली प्रॉक्सी फॉर क्लाइमेट चेंज

हमें पता भी नहीं उनके बारे में अब देखिए कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक के बारे में हम लोग जो सार्स सी फैमिली है उसके कई सारे वायरसेस को हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे पहले भी आया था मर्स मर्स आया था राइट ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था राइट सार्स आया था तो उसको एटलीस्ट हम लोग जानते थे उसके बावजूद हमें वैक्सीन बनाने में कितनी देर लगी राइट वैक्सीन भी हम लोगों ने कैसे बनाई एक वैक्सीन बनाने में अप्रॉक्सिमेटली बीस साल के आसपास लग जाते हैं तो हम लोगों ने इसको एडवांस करके हम लोगों ने जल्दी से वैक्सीन बना के दे दी क्योंकि इमरजेंसी एक हम कह सकते हैं इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिली सभी को इसी की वजह से वैक्सीन आ चुकी है अब इमेजिन कीजिए नए नए वायरसेस आएंगे देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इट इज गोइंग टू बी अ कैटास्ट्रोफी सो इसका मतलब क्या है द अल्टीमेट सोल्यून टू ऑल दिस थिंग्स इस क्लाइमेट चेंज को रोके ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की कोशिश करें इसका मतलब है ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कम करें यानी कि फॉसिल फ्यूल का कम इस्तेमाल करें मूव टूवर्ड्स

हम लोग अपने डिस्कशन एंड करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक के बारे में जाने के लेक हेजन देखिए लेक हेजन का लोकेशन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है लेक हेजन कहाँ पे आता है इट कम्स इन कैनेडा आर्टिक सर्कल के ऊपर है नूनावुट करके जगह इनफैक्टुअली मैं आपको इसका लोकेशन दिखा दूँ थो थोड़ा सा लेट्स लुक एट दिस इन दी मैप क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही थी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चलेगी राइट दिस इज दी मैप लेक हेजन मैंने ऑलरेडी सर्च करके यहाँ पे सो दिस इज लेक हेजन ये कनाडा का मैप है अगर हम लोग थोड़ा जूम कम करेंगे यू कैन सी दिस इज कनाडा ऊपर आपको यूएसए कनाडा और कनाडा के नदर मोस्ट भाग में आपको मिलता है लेक हेजन और अगर हम लोग यहाँ पे जूम करेंगे थोड़ा सा इफ वी जूम इन विल अंडरस्टैंड कि लेक हेजन इज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल पार्क यहाँ पे आप देख सकते हो तो दिस इज लेक हेजन जहां सेडिमेंट्स ढूंढे गए हैं और इट इज अ पार्ट ऑफ इट इज अ पार्ट ऑफ पार्क नेशनल पार्क राइट सो पार्क नेशनल पार्क का भाग है ये ऑल right, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए अबाउट लेक हेजन क्योंकि अगर लेक हेजन कैन बिकम अ पार्ट ऑफ एन ऑप्शन जैसे सिंपल सा आपको मैचिंग वाले सवाल पूछ देंगे कि ये लेक कहाँ पे है और उसकी कंट्री दे देंगे वन पेयर टू पेयर थ्री पेयर करेक्ट इस तरह के सवाल बन सकते हैं तो लेक हेजन इट इज़ लार्जेस्ट लेक टू दी नॉर्थ ऑफ आर्टिक सर्कल अब आर्टिक सर्कल क्या है अगर आप ये के, equator, Cancer, आपको बड़ा लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अब इसके कंपैरिजन में दूसरे लेक से जैसे कि लेक तेमीर है रशिया में लेक इनारी है फिनलैंड में तो आपको अगर ये तीनों लेक आप ध्यान रखोगे तो इट वुड बी बेटर क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे बड़ी लेक है नॉर्थ ऑफ आर्टिक लेक तैमीर जो रशिया में आती है सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन टर्म्स ऑफ एरिया इट इज लेक इनारी जो फिनलैंड में आती है और थर्ड यानी कि इन इन टर्म्स टर्म्स ऑफ ऑफ एरिया वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम में सबसे बड़ी है ये लेक हेजन इसके अलावा मैंने आपको बताया लेक हेजन कम्स इन दी कुटनीर पार्क नेशनल पार्क इन कैनेडा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इस लेक के बारे में है कि इस लेक से ही लेक हेजन से ही एविडेंसेस मिल चुके हैं अबाउट दी थ्यूल सिविलाइजेशन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग थ्यूल सिविलाइजेशन अब ये भी कभी कभार ऑप्शन वगैरह में बन सकते हैं कि थ्यूल सिविलाइजेशन किस कंट्री से आता है फिर कहाँ से जुड़ा हुआ है करके तो रिमेंबर इट कम्स फ्रॉम कैनेडा इट सेल्फ अब थ्यूल की जब हम लोग बात करें देखिए थ्यूल सिविलाइजेशन अगर आप नदर साइड में जाए आई क्वाइट श्योर यू मस्ट हर्ड अबाउट दी इनट सिविलाइजेशन राइट इन सिविलाइजेशन से भी पुरानी सिविलाइजेशन है ये ऑलमोस्ट नाइन हंड्रेड के आसपास इस एरिया में मिला करते थे और ये कहा जाता है कि थ्यूल सिविलाइजेशन का कनेक्ट था दे वर कनेक्टेड और दे यूज टू ट्रेड विथ सो कॉल्ड और द फेमस वाइकिंग्स क्वाइट श्योर कि आपने वाइकिंग्स के बारे में सुना होगा वाइकिंग्स आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मिलते हैं इसी समय पर जब वाइकिंग्स थे उसी समय पर थ्यूल सिविलाइजेशन भी था यह कहा जाता है थ्यूल सिविलाइजेशन की एविडेंसेस मिली है फ्रॉम लेक हेजन तो ये सारे पॉइंटर्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से क्योंकि दिस रिसर्च इज इंपॉर्टेंट दिस रिसर्च लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट और आप जानते हैं कि करंट अफेयर से ही लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं सो डो नॉट फर्गेट अबाउट लेक हेजन अगर एग्जाम में आए आपको सवाल करेक्ट करके आना है राइट सो दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन अगर इसके प्रति कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी आ अगर क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई कुछ और खबर आई तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे ऑन स्टडी आई क्यों दट इज इट राइट नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ध्यान रखिएगा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते तो कैन फॉलो मी ऑन दिस आई डी बट मच इम्पॉर्टेंट एन दिस आज आखिरी दिन है आपके पास कुछ ही समय बचा हुआ है लास्ट डे फ्यू आवर्स एनरोल फॉर द प्रोग्राम राइट और एल्स मिस आउट ऑन दर्चुनिटी विद नोट थैंक यू वॉचिंग इज अगेन जय हिंद स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल